अथी राज बंगाल से नेपाल इसलिए आई हूँ कि तुम्हारे बचपन की दोस्त कंगल या वीर पहलवान आज दीना भद्री दोनों भाई की चांगुल में फंसी हुई है बेटा। क्या हमारे दोस्त जी भाठी राज बंगाल में दीना भद्री दोनों भाई की चांगुल में फंसी हुई है? हाँ बेटा पगला। ये माँ अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ माँ? बेटा पमला। हाँ माँ। सुनो, मैं इसलिए तुम्हारी पास आई हूँ कि सोरी घर में एक तुम्हारे जात चमन को अपना शरीर पर हाथ रखने के लिए नहीं दिया था। तुम्हारे जात चमन को अपना शरीर पर हाथ रखने के लिए नहीं दी और मैं इसलिए आई हूँ कि अगर अपना हाथ से भाठी राज बंगाल पहुंचकर नेपाल से 1400 भात दूध लेकर भाठी राज बंगाल चलो और भाठी राज बंगाल पहुंचकर अगर दीना भद्री दोनों भाई को तुम अपना हाथ से दूध पिलाते हो तो अवश्य दीना भद्री दोनों भाई अपना प्राण दे देंगे मेरे लाल। ये माँ ठीक है, मैं आपकी वचन की पालन अवश्य करूंगा माँ। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा पमला। इतना वचन कहकर माँ दुर्गा महारानी छपित हुई और पमला भी राम अपना मन में सोचते हुए हाँ हाँ यही मौका है ना भाई, हमारी जात को अपना शरीर पर हाथ रखने के लिए नहीं दिया, आज दुश्मन को मैं अपना हाथ से दूध पिलाऊंगा और दुश्मन